अध्यक्ष चंडीचरण साहु की उपस्थिति में घाटशिला के दामपाड़ा मंडल अंतर्गत हुलुलुंग ग्राम में एवं धालवुंगर के खोकपाड़ा ग्राम में पद यात्रा सह सदस्यता अभियान चलाया गया। मौके पर जिला मंत्री हिमांशु मिश्र, 20 सूत्री जिला उपाध्यक्ष दिनेश साहु, सोशल मीडिया प्रभारी सुरेश महाली, दीपेश शर्मा, कमल आचार्य, जिला मंत्री रोहित कुइला, संजय अग्रवाल, संजय तिवारी, राजेश बंसल, अपमंडल मंडल अध्यक्ष संजय महाकोड़, रामजीत मांडी, मुकेश भगत, जगन्नाथ महतो, मुन्ना जोशी, वासुदेव सिंह, सुनील नाथ, विश्वनाथ बेहरा, पिंटू गुप्ता, प्रदीप महतो आदि उपस्थित थे। साह स्पंज एंड पावर लिमिटेड कंपनी के मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर कंपनी प्रबंधन को एक मांग पत्र सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र में बताया गया कि मजदूरों की मांगें अगर 2 जनवरी से पूर्व नहीं मानी गई तो सभी मजदूर अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल में चले जाएंगे। क्या मामला क्या है, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध देखिए, आज 20 अक्टूबर से हम लोग इस कंपनी को, जैसे आपको मालूम होगा दिनेश गोप जो है हम लोग का यूनियन का अध्यक्ष है, उनको कंपनी प्रबंधक द्वारा मारपीट करके जेल भेज दिया गया था और उसके लिए हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल भी किए थे। लेकिन कंपनी हम लोग को हड़ताल के उपरांत रात को फोन करके कहा गया कि आप लोग हड़ताल तोड़िए और आप लोग का जो भी मांग है हम 7 दिन के अंदर पूरा करेंगे। और इसके लिए हम लोग हड़ताल तोड़ के दिनेश गोप को बाहर निकाले जेल से। निकालने के बाद उसको एक ज्ञापन दिया गया कि हम लोग का दिनेश गोप बाहर निकल गया है, अब वार्ता के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन उन्होंने हमारे पत्र का कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर इसी तरह कर करके हम लोग का पत्र का जवाब टालते गया। फिर हम लोग निरंतर उसको रिप्लाई करते गए। बाद में अंत में एक डिसीजन आया कि 28 तारीख को कंपनी प्रबंधक आप लोग के साथ बैठ करके एक जो भी फैसला लिया जाएगा। लेकिन आज भी वही निराश होना पड़ा। कंपनी प्रबंधक की तरफ से कोई सक्षम पदाधिकारी, जैसे कि कोई निर्णय ले सके इस विषय पर, उस तरह का सक्षम पदाधिकारी आज इस बैठक में हम लोग आए थे। सब कंपनी का लेबर भी था, लेकिन इसमें वो डिसीजन लेने वाला कोई पदाधिकारी नहीं था। आज के लिए इस बैठक को विफल माना गया, इसीलिए हम लोग अभी एक ज्ञापन भी दिए हैं कंपनी को, 2 तारीख तक का अल्टीमेट दिए हैं कि अगर 2 तारीख तक कोई सक्षम पदाधिकारी हम लोग के साथ बैठ कर जो हम लोग का समस्या है उस पर अगर विचार करता है तो हम लोग हड़ताल पर नहीं जाएंगे। अगर 2 तारीख के अंदर अगर वो कुछ व्यवस्था नहीं करता है तो हम लोग 2 तारीख से अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। क्या मांगे हैं आपके, मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य मांग है जैसे दिनेश गोप का जो पहले जो हो गया था कि उसको जो भी केस उठाना है, भाई जो उसको बरी करना है और उसके ऊपर जो शारीरिक पातना जो भी हो उस पर जो भी कंपनी के ऊपर जो मुआवजा एक तो है ये है। दूसरा कुछ अस्थाई मजदूर का जैसे है बहुत तरह का, आज 12 साल से कंपनी चल रहा है, जैसे ग्रेड रिविजन हुआ उस सब में कोई प्रोग्रेस नहीं है। जैसे कोई मजदूर अभी भी अकुशले माना जाता है इस कंपनी में, आज 10 साल से वो काम कर रहा है उसको अकुशले माना जाता है और उसका कोई पेमेंट का कोई लिमिट नहीं है। अगर एक ड्राइवर है उसको भी वही पेमेंट मिलता है, अगर एक हेल्पर है उसको भी वही पेमेंट मिलता है, उसको ग्रेड रिविजन का कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि और कंपनी में ग्रेड रिविजन होता है क्योंकि 3 साल 4 साल 5 साल पहले लेबर को, क्योंकि वो अर्ध कुशल से कुशल हो जाता है, कुशल से फिर पूरा प्रशिक्षण हो जाता है। लेकिन इस तरह का उस कंपनी में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इस तरह का किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है कि डिपार्टमेंट चेंज करवा दिया जाता है, क्योंकि अगला एक डिपार्टमेंट रहेगा तो अगला उसको प्रमोशन करना पड़ेगा, तो कंपनी क्या करता है ना उसको डिपार्टमेंट चेंज करवा देता है कि इस डिपार्टमेंट। मुख्यालय
जिले में आज अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अंबिका बनर्जी ने कहा कि चाकरी पंचायत के रोजगार सेवक मनमानी कर रहा है, इसलिए उसे तत्काल हटाया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकल खराब है, सड़क जर्जर हो चुकी है, इस ओर ध्यान न देकर सरकार पारा टीचरों पर लाठी बरसाने का काम कर रही है। कर भ्रष्टाचार में दम लिप्त होते जा रहे हैं और उसको जो है कि कोई लगाम लगाने वाले नहीं है। वो कहता है यहाँ से लेकर वीडियो से लेकर जिला के उपायुक्त महोदय तक को हम अपने हाथ में रखे हैं, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कांचन दास जी का भाषण है, उनको बुला के भी आप पूछ सकते हैं। इतनी इनकी मनमानी हो चुका है कि स्थानीय लोग जब उनको कोई भी समस्या से अवगत कराते हैं तो कहता बगैर पैसा से हम कोई सुनेंगे नहीं, पैसा दो काम करो, नंबर एक। दूसरा, पेयजल की बहुत समस्या है गांव में, हर चापाकल खराब पड़ा हुआ है। पीएचडी सिर्फ नाम का है कि बोलता है कि हम बनवा दे रहे हैं, और खराब पानी है जो कि गांव का लोग पेयजल की अभाव में भोग रहे हैं। रादर चाकड़ी ये सब जो एरिया है, पहाड़ी एरिया है, इस सब में सरकार को पानी का बंदोबस्त सुनिश्चित करके स्वच्छ जल का उपलब्ध कराना चाहिए। जमशेदपुर के मानगो में आज समाज सेविका फरजहां ने मिसाल कायम की। कड़ाके की ठंड को देखते हुए अपने पैसों से कंबल खरीदकर गरीब व असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों की मौत हो रही है, ऐसे स्थिति में जमशेदपुर के और भी कई सामाजिक संगठन को आगे आने की जरूरत है ताकि लोगों की ठंड की वजह से मौत ना हो। आज हम लोग गरीबों में कंबल की वितरण की जी, 50 कम्बल मैंने बांटा, क्योंकि गरीब बहुत सारे लोग जवाहर नगर में हैं रोड नंबर 14 में, और सारे गरीब के पास कम्बल उड़ने का नहीं था, जो ठंड के कारण उन लोगों का 3-4 लोगों का डेथ हो चुका। और हमने देखा, सर्वे किया कि आज गरीबों में कम्बल बांटने का काम करें, और हम लोग कोई संस्था से नहीं बांट रहे, हम लोग खुद से अपना सामाजिक तौर से अपना बांट रहे हैं। ठंड जी, ठंड बहुत काफी पड़ चुका है, और ठंड के कारण बहुत गरीब लोग परेशान हैं जी, हम लोगों ने इसलिए बांट रहे हैं। कहाँ पे बांटे हैं? रोड नंबर 14 जवाहर नगर। आपका नाम? मेरा नाम फरज जहां। क्षेत्र के हकाई गांव में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति को पकड़ा। शक के आधार पर जांच करने पर उसके पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि उक्त व्यक्ति का नाम भीम कर्मकार है। कहां से पकड़ाया गया? यह दिनांक 28/12/2029 को समय रात्रि करीब 11 बजे एक गुप्त सूचना मिली कि ग्राम हकाई पंचायत जुड़ी में एक कोई व्यक्ति ग्राम हकाई में संदिग्ध रूप में घूम रहा है और कोई घटना का अंजाम देने वाला है। ये भी पता चला कि उसके पास आर्म्स भी है। इस संबंध में हम अपने पूरे दल बल के साथ ग्राम हकाई पहुंचे तो हम लोग को जीप को देखते ही वह व्यक्ति भागने लगा, तो कुछ ग्रामीण और पुलिस बल के सहयोग से इसको खदेड़ कर हम लोग पकड़े। पकड़ने के बाद इसे पूछताछ किया गया तो अपना नाम भीम कर्मकार, आपका नाम कुछ है।
जमशेदपुर के चुनासा गांधी मैदान के सामने एक लोहे की भारी गेट के गिर जाने के कारण उसके चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर उलीडी पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां का गेट काफी जर्जर अवस्था में होने के कारण कई बार शिकायत की गई थी, परंतु सभी ने अनसुना कर दिया। सूचना मिला कि गांधी मैदान का गेट जो उत्तर साइड का है गिर गया है, उसमें एक महिला जो जख्मी हो गया है, आप लोग तुरंत जाइए। हम लोग आए तो महिला गांव का पब्लिक लोग उसको एमजीएम अस्पताल ले गया था और गेट यहीं बगल में पड़ा हुआ था और गेट को हम लोग सुरक्षित जगह पर रखवाए। गेट का महिला ऊपर गिर गया। हाँ, गेट के महिला के ऊपर गिर गया, जो बताया जाता है कि सिर में चोट लगा है। कहाँ इलाज चल रहा है? अथी एमजीएम अस्पताल साक्षी में चल रहा है इलाज। आपका नाम? मेरा नाम एएसआई सोहर सिंह, उलीडी थाना का हूँ। जगह कैसे, क्या घटना हुआ है? ये चुनासा कॉलोनी गांधी मैदान का है। एक औरत यहाँ उलीडी से आ रही थी तो हम लोगों ने देखा कि गेट उनके ऊपर गिर रहा है और पूरा गिर गया गेट, जबकि गेट पूरा डैमेज था और हम लोग ऑलरेडी इसको कंप्लेन भी किया गया था नोटिफाइड में, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज इतना बड़ा हादसा हो गया और औरत की हालत बहुत नाजुक है और हम लोगों ने यहाँ के लड़के लोगों ने एमजीएम हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कराया गया है और प्रशासन को हम लोग सूचना दिए। उलीडी थाना के सब आए हुए हैं यहाँ पर और क्या ये गांधी मैदान चुनासा कॉलोनी पोस्ट ऑफिस के सामने ये गेट है, पुराना गेट है और ये हमारे सामने ठीक नोटिफाइड एरिया भी है, काफी भारी गेट है, अराउंड हाफ टन तक का अराउंड ये पूरा उसका वेट होगा। आपका नाम? शादाब। जमशेदपुर में रफ ड्राइविंग रोकने की मांग को लेकर अख्तर क्लासेस के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने एक जुलूस निकाला एवं इस संबंध में प्रशासन के लोगों को जागरूक करने के लिए अपील। ये अख्तर क्लासेस जो वारिस कॉलोनी मस्जिद तैयबा के सामने है, हमारे इंस्टीट्यूट में हम सब ने और हमारे बच्चों ने मिलकर इस जुलूस को निकाला गया है और इस जुलूस का उद्देश्य और मोटो ये है कि अभी बेसिकली 31 और 1 तारीख को जितना रफ ड्राइविंग है उसको रोका जाए और ट्रैफिक से अवेयरनेस कराया जाए अमंग द सिटीजन ऑफ जमशेदपुर बेसिकली। तो इसके लिए हम लोगों ने वारिस कॉलोनी मस्जिद तैयबा के सामने से और ओल्ड पुलिया रोड और जेकेएस कॉलेज और जाके चेपा पुल, ये सारे तरफ हम लोगों ने छोटे प्रोसेशन बच्चों के साथ मिलकर ये काम को करेंगे, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर आजाद नगर थाना प्रभारी को बुलाया गया। और हमारे साथ मेरे बड़े भाई हैं, सलमान है, जिनका कॉन्सेप्ट उन्हीं के कॉन्सेप्ट से इस जुलूस को हम लोग निकाल रहे हैं ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए और ये अभी पर्टिकुलरली डीसी के गार्ड है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आमिर अख्तर हुआ, जो डायरेक्टर हुआ इस इंस्टीट्यूट का अख्तर क्लास। जमशेदपुर में स्लैग रोड डेवलपमेंट कमेटी के तत्वाधान में कंपनी गेट के समक्ष एक दिवसीय सांकेतिक धरना का आयोजन किया गया। इस संबंध में बताया गया कि कंपनी के कई वाहन द्वारा स्लैग ढोते समय धूल उड़ाते आवागमन किया जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस मामले में कई बार शिकायतें भी की गई परंतु इस ओर ना ही कंपनी ने ध्यान दिया और ना ही प्रशासन ने। स्लैग रोड एरिया डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन स्लैग रोड एरिया कंपनी गेट के समक्ष पूरे बस्ती वासियों के द्वारा आयोजित की गई है। ये एक सांकेतिक धरना है, ना किसी प्रकार का नाराबाजी है और ना ही किसी प्रकार का दुर्व्यवहार है कंपनी प्रबंधन के प्रति। हम लोग किसी प्रकार का नाराबाजी नहीं लगा रहे हैं, बस हम लोग एक संकेत के माध्यम, बैनर के माध्यम हम लोग एक कंपनी प्रबंधन को बताना चाह रहे हैं कि हमारे द्वारा 19 दिसंबर को, हमारे समिति के द्वारा 19 दिसंबर को एक 7 सूत्री मांग हम लोग सौंपे थे। हम लोगों के जो समस्या है उसको लेकर हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा था, डीसी महोदय को दिया, एसडीओ साहब को दिया गया, जिसको प्रबंधक को दिया गया और ट्रैफिक डीएसपी को, थाना प्रभारी को दिया गया। लेकिन इस
यह मामला काफी गंभीर है और स्थिति यहाँ का काफी भयावह, लोग यहाँ के रोगग्रस्त हो रहे हैं। पॉल्यूशन पूरी तरीका से ध्वनि प्रदूषण के साथ वायु प्रदूषित यहाँ का है। स्लेग रोड कंपनी गेट से जो वाहन अनियंत्रित रूप से 24 घंटा, ना कोई ट्रैफिक नियम है इस क्षेत्र में और ना ही इस क्षेत्र रोड में कोई बंप है। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग, ये तो आज सांकेतिक धरना है, आगे हम लोग चरणबद्ध तरीके से डीसी ऑफिस में भी धरना देंगे, जुस्को के ऑफिस में भी धरना देंगे, जनरल ऑफिस गेट में भी धरना देंगे और यह आंदोलन हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग धरना को करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। आज हम लोग स्लेग रोड एरिया कंपनी के सामने। आपका नाम? मंटी सिंह संरक्षक, स्लेग रोड एरिया डेवलपमेंट कंपनी।